सवाल है जनता क्या सोचती है उसकी धारणा क्या है। कोशिश करूंगा मैं जनता के कुछ सवालों के जरिए समझ लीजिए। हाँ, जी सर, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जितने भी माननीय हैं, सीधे तौर पर ये भ्रष्टाचार में सीधे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगे हैं। हाँ, तो क्या ऐसा नहीं है कि जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था उस पर ए राजा जी को इस्तीफे से वो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ठीक है, क्योंकि आरोप उनके ऊपर, आरोप सीधे तौर पे उनके ऊपर है सर। हाँ, तो क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? हाँ, और फिर इसकी जांच होनी चाहिए सर। आरोप चिदंबरम साहब पे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार लगाए और कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चिदंबरम साहब के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं होता, सब बेबुनियाद है। आज इल्जाम भारतीय जनता पार्टी ही तो लगा रही है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें। और मैं बहुत अदब से पूछना चाहता हूं, हम बहुत वाजे तौर पे मैं आपसे कह रहा हूं प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? पार्लियामेंट को नहीं चलने देगी क्या? पार्लियामेंट के अंदर ताला डाल दिया जाए?